हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रजापति पाठशाला। सो गाइस, आज मैं आपके सामने बायनोमियल थ्योरम की कुछ ऐसी शानदार ट्रिक लेके आया हूँ जो NDA, एयरफोर्स आदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सो गाइस, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। वी हैव ए क्वेश्चन इन द एक्सपेंशन ऑफ 45x माइनस के 49 की पावर 4, द सम ऑफ द कोफिशियंट ऑफ एक्स। 2010 फर्स्ट में आया हुआ क्वेश्चन है गाइस। हम इस क्वेश्चन को चुटकियों में 5 सेकेंड में कर सकते हैं। जैसे आंसर 256 इज करेक्ट आंसर। सो गाइस, मैंने ये कैसे किया उसके लिए चलते हैं ट्रिक की तरफ। आपके सामने कोई क्वेश्चन ऐसे दिया हो, ए एक्स माइनस के बी वाई उसकी पावर एन हो, तो आपको करना कुछ नहीं है गाइस। बस केवल आपको क्या करना है, इधर से ए और इधर से बी, ए माइनस बी, और ऊपर पावर कितनी है, एन। सिंपल, जो भी आएगा वही आपका आंसर। इफ यदि आपके पास कुछ ऐसा दिया हो, ए एक्स प्लस बी वाई की पावर एन, तो आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस ए प्लस बी की पावर एन, और जो भी आएगा वही आपके पास सिंपल आंसर। सो गाइस, जरूरी नहीं कि हमारे पास टू ही वेरिएबल दिए हों, आगे कितने भी वेरिएबल हो सकते हैं, उसके लिए भी हम इस ट्रिक को ऐसे ही अप्लाई करेंगे। मान लो कि कोई ऐसे दिया हुआ है, इफ आपके पास ए एक्स प्लस बी वाई माइनस के सी जेड की पावर एन, तो आप इसमें कैसे अप्लाई करेंगे, ए प्लस बी माइनस सी की पावर एन, और जो भी आएगा वही हमारे पास आंसर। तो गाइस, ये 2010 फर्स्ट में आया हुआ क्वेश्चन था जो मैं आपके सामने दोबारा आपको बता देता हूँ कैसे करना है। 45 माइनस 49 लिखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, 45 माइनस सेकेंड कितना है हमारे पास, 49, और उसकी पावर 4। 45 में से 49 जाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 4 और उसकी पावर 4, और 4 की पावर 4 कितना होता है गाइस, 256 इज करेक्ट आंसर। तो गाइस, चलते हैं इसी के जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो गाइस, आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है जो 2017 के सेकंड पेपर में आया हुआ है। 1 प्लस एक्स की पावर 15, सम ऑफ द कोफिशियंट ऑफ द ओड पावर ऑफ एक्स। आपको बताना है 1 प्लस एक्स की पावर 15 में ओड पावर का सम बताना है कितना होगा। तो गाइस, जैसे मैंने अभी ट्रिक बताई है वही ट्रिक आपको अप्लाई करनी है। यहाँ पर क्या है हमारे पास, 1 प्लस, यहाँ पे इसके साथ कोफिशियंट कितना है एक्स के साथ, वो भी कितना है 1, और उसकी पावर कितनी है, केवल 50। तो हमारे पास ये कितना आया, 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2 की पावर 50। यानी कि, बट गाइस, हम जानते हैं यहाँ पर कि 2 की पावर 50 में हमारे पास इवन टर्म भी होंगी और ओड टर्म भी होंगी, तो लेकिन उसने बस केवल हमसे पूछा है कि ओड पावर ऑफ एक्स। तो गाइस, आपको एक फॉर्मूला और याद रखना है, यदि आपसे ओड पावर की बात करें, यदि आपके पास एक्स की पावर एन है, तो हमारे पास ओड पावर के लिए हो जाता है ये एक्स की पावर एन माइनस वन, दैट इज ओड पावर के लिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 की पावर 50 माइनस 1 इक्वल टू 2 की पावर 49 इज करेक्ट आंसर। सो गाइज, ये हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। सो गाइज, इसी के जैसा सेम एक क्वेश्चन 2012 के फर्स्ट में दिया हुआ है, बस केवल और केवल इसमें एक्स की पावर 50 की जगह एक्स की पावर एन है। सो गाइस, आपके सामने एक और क्वेश्चन दिख रहा है, 1 प्लस एक्स की पावर एन, इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर एन, सम ऑफ द कोफिशियंट ऑफ द इवन पावर ऑफ एक्स। आपको इवन पावर की कोफिशियंट का सम बताना है कितना होगा। तो गाइस, जैसे मैंने यही क्वेश्चन किया है, सेम इसी की तरह करना है। 1 प्लस, यहाँ पे एक्स के साथ कितना है हमारे पास, 1 कोफिशियंट है और उसकी पावर एन, तो 1 प्लस 1 इक्वल टू कितना होता है गाइस, 2 की पावर एन। अब गाइस, यहाँ पे बस इतना ध्यान देना है कि यदि आपसे ओड पावर पूछता है, तो आपको क्या करना था, एक्स की पावर एन में से एक पावर माइनस करना था, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है आपसे केवल इवन पावर, तो इवन पावर में आपको कुछ नहीं करना। इवन पावर क्या होती है, 2 की पावर एन ही जो होगी वही हमारे पास इवन पावर होगी, दैट इज इसका जो होगा हमारे पास, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। सो गाइस, चलते हैं पिछले सेट्स में आए हुए एनडीए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तरफ। सेम इसी के जैसा एक क्वेश्चन 2012 के फर्स्ट पेपर में है। 2012 के फर्स्ट पेपर में हमारे पास जो है, इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर एन, फाइंड द कोफिशियंट ऑफ द, फाइंड द सम ऑफ द कोफिशियंट ऑफ द ओड पावर ऑफ एक्स। आपको ओड पावर निकालनी है। सो गाइस, जैसे मैंने ओड पावर का पहले बताया, केवल और केवल आपको भी ओड पावर का वैसे ही करना है क्वेश्चन।
तो देखना मैंने क्या करना है, यहाँ पे वन लेना है प्लस के, यहाँ पे कोफिशियंट कितना है, केवल और केवल वन है, और दोनों की पावर कितनी है, सॉरी यहाँ पे एन ऊपर है, पावर कितनी है एन, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास टू की पावर एन। और मैंने बताया ओड पावर के लिए हम पावर में क्या करते हैं, एक माइनस कर देते हैं। ओड पावर के लिए हम क्या करेंगे, यदि हमारे पास टू की पावर एन है तो वो कितना हो जाएगा, टू की पावर एन माइनस वन, दैट इज इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। गाइज हमारे पास एक और क्वेश्चन है जो 2015 के सेकंड सेट में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है हमारे पास वन प्लस एक्स की पावर टू एन प्लस वन, आपको इसके अंदर बताना है कि सम ऑफ द कोफिशियंट ऑफ द पावर ऑफ एक्स। सो गाइज इसमें आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, केवल वन, और यहां से कितना होगा हमारे पास एक्स कोफिशियंट वन, वन प्लस वन की पावर कितनी है हमारे पास टू एन प्लस वन। सो गाइज यहाँ आप देखेंगे वन प्लस वन की पावर टू एन प्लस वन, और वन कितना हो गया टू की पावर टू एन प्लस वन, और टू की पावर टू एन प्लस वन को हम कैसे लिख सकते हैं, टू की पावर टू एन इंटू टू, तो ये हमारे पास हो जाएगा टू की पावर, तो ये हो जाएगा टू की पावर एन। तो गाइज मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, टू इंटू टू की पावर टू मतलब फोर, फोर की पावर एन, दैट इज हमारे पास ये है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। सो गाइज आपने आज के क्वेश्चंस में ये देखा कि एनडीए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं। तो गाइज यदि आपको ऐसे ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ऐसी शॉर्ट ट्रिक सीखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को देखते रहें। सो गाइज थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।